और ये टोल टैक्स मैन कैरिजवे का नजारा देख लो भाई। वेट ब्रिज एड वहां पर स्पेशल काटा लगा दिया है, गाड़ी साइड से आएंगे अगर कोई गाड़ी वाला भाई हट दादागिरी करेगा तो स्पेशल वेट करा जाएगा वहां पे, काटा बना दिया भाई। ये है भाई टोल टैक्स बिल्डिंग। हेलो, राम राम भाई सारे चीते छोरा ने। तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश बॉक्सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करते हो भाई सारे भाई अपने बढ़िया होंगे। तो भाई फिर से पहुंच गए जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे की, जो कि भाई अपना रुखी बाईपास रुखी पाना विलेज है। तो इसके बारे में टोल टैक्स है भाई, यहाँ पर टोल टैक्स की अपडेट देते हैं आपको, ब्लॉग में बने रही हो भाई सारे भाई। जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे मेन कैरिज वे है भाई, तो आप यहाँ पर रोहतक के लिए उतरोगे यहाँ से, तो आपकी गाड़ी यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो अपना NH 709 में मिल जाएगी जाके। अगर कोई भी गाड़ी भाई इस उस साइड से आएगा, गवाना से आएगा या रोहतक से आएगा, इसके ऊपर चढ़ेगा जम्मू कटरा वाले पर, तो यहाँ पर टोल टैक्स देना ज़रूरी है भाई। इस साइड में टोल कटेंगे, जितने भी बूथ हैं काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं भाई टोटल, तो बोथ हैंड साइड का है। तो भाई ये बिल्डिंग है और ये 10 टोल टैक्स हैं भाई, ये यहाँ पर जो अपनी लाइन है। तो टोल टैक्स तो एक है लेकिन बूथ नंबर 10 है भाई, फास्टैग है सभी में। कोई भी एक दिखाता हूँ खोल कर, तकरीबन यहाँ पर काम हो चुका है भाई, तो कैमरे के सामने आने से बंदे ने मना कर दिया था, ऐसे गाड़ी जाएगी भाई बाद में। फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम तकरीबन हो चुका है हर एक के अंदर, फैन भी लगा दिया है। एक बंदे ने यहाँ पर बैठना पड़ेगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, पूरे सेंसर वेंसर लगा के तैयार कर दिए हैं भाई पूरे, ठीक है। तो टोल का भाई मैंने पूछी थी इनका, एक बंदा बता रहा है कि दिसंबर से पहले पहले हम इस टोल को कंप्लीट कर देंगे। अरे काम कितनी स्पीड से चल रहा है, काम स्पीड से चल रहा है पूरा, है तेज बता कब तक हो जाएगा, लग जाएगा 1 महीना, ठीक है। इंजीनियर नहीं है कोई यहाँ पे, कोई भी नहीं है, ऐसे ही काम चल रहा है, कल आएगा। ये भाई पेवर ने शिफ्ट कर रहे हैं, हाई मास्क देखो भाई की जबरदस्त लाइट है। ये है ना वहां पर स्कूल अपना लैंडमार्क इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहां तक इसकी रोशनी जाएगी। और भाई इनका तो मैंने बेरा नहीं है क्या सिस्टम है, बाकी मैंने पूछी थी, अगले ने झूठ बोली या सच बताई। ये कह रहा था ये भी कट्टा करने के हुए कुछ, अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो इस पर कट्टा करवा देंगे आते जाना, अगर नहीं होगा तो वहाँ पर होगा भाई जो वो कट्टा बना दिया है वहाँ पे। तो भाई इस टोल टैक्स का काम तकरीबन नहीं लगा लो वहाँ पे 90% हो चुका है। ये कुछ शरारती तत्व हैं भाई, स्टंट दिखा रहे हैं। देख मेरे बेटे कितने तेज हैं, काम चल रहा है सारे डंडे ठहरा के इनने, एक का गिर के देखो। नूपड़ेगा भाई यो है, या लुकिंग आओगी भाई। इसका बिल्डिंग का काम कितना कर रहा है अभी, हो गया क्या हो गया, बिल्डिंग
वेल्डिंग का नहीं, बिल्डिंग का काम जो है, बिल्डिंग बन रही है। हो गया, काम है। हैं? काम हो गया। अभी क्या काम चल रहा है फिर उसमें? रिपेयर सिविल बचा हुआ है। हैं? रिपेयर सिविल बचा हुआ, रिपेयर। रिपेयर बची है इसमें? कुछ टेल वेल टुकड़े उकड़े कुछ वो नहीं लगे हैं? सब लग गया। लगा हुआ। सब लग गया। तो फिर कब तक टोल चालू हो जाएगा? 2-3 महीने में। 2 महीने में हो जाएगा, मतलब नए साल पे चालू कर देंगे इसने? हाँ, नए साल पे हो जाएगा। हो जाएगा। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? देख रेख का ही? हाँ। अच्छा, ये आप ही काम कर रहे हो क्या, जो ये लगाए हैं बूथ वूथ का? हाँ। काम है। एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना भाई, जो कटरा से आएगा तो यहाँ से उतरेगा ना, यहाँ से उतर गए, जिसको भी अपना है ना 709 पे एंट्री करनी है, यहाँ से नीचे हो जाना, नीचे से ही वो रोहतक जा पाएगा। ये जो नीचे है ना 709 है, यहाँ से नीचे होना पड़ेगा। ये जो सर्विस रोड दे रखा है, और जो इस साइड से आगे जम्मू कटरा से जो भाई भाई गोवाना या पानीपत की तरफ जाएगा, तो ऊपर वाला जो रोड है वो पकड़ लेना भाई, जो फ्लाई ओवर है अपना, ये पकड़ गए तो ये वहाँ पे है ना लैंडमार्क स्कूल है, उसके सामने नीचे उतर कर वो सीधा पानीपत की तरफ ले जाएगा आपको। तो भाई आज का व्लॉग हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। तो भाई आशा करते हैं भाई सारे भाइयों ने पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब।